जिसको साफ करने के लिए हम ये किसी कर रहे हैं, उसमें जिस ढंग से हमारे क्षेत्र में लोबिन जी का मीटिंग और मेरा पुतला दहन करना हेमंत सोरेन सीएम के साथ, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, लोगों को किस तरह से भरमाया जा रहा है, इस पर हम साफ करना चाहते हैं। इसमें हम लोग के दल में जो भी किसी आदमी को किसी डिमांड पर बोलना था उसके लिए बैठकें होती है और बैठक में हम लोग तय करते हैं कि कौन डिमांड पर कौन आदमी बोलेगा। उसमें हम लोग जब मीटिंग तय किया तो लोबिन हेमरम जी उसमें गए रहे और बोला कि हमको नहीं बोलने दिया गया। इसके बाद हम जो आसन पर बैठे हैं पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर, तो जब भी कोई भी पीठासीन पदाधिकारी आसन पर बैठता है तो सबको एक नज़र से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे दल का है तो उसको बैसी दें, दूसरे दल का है तो उसको ना दें। तो उसमें मीटिंग में भाषण में बोला हो कि हमको आसन से नहीं बोलने दिया, तो ये सब इमेच्योर दिमाग क्या पैदाइश है। जो आसन पर आज उंगली उठा रहा है तो कल को स्पीकर पर भी उंगली उठेगा। स्पीकर हर चीज़ आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में या सूचना का अधिकार में बोलने ही देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। चूंकि आसन आसन है, आसन से समान रूप से लोगों को न्याय करना है और किसको कितना क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए उसके विवेक पर डिपेंड करता है। और उसको एक आरोप लगा के वो बताए कि भाई हम जो है हमको नहीं बोलने दिया गया इसलिए इसका भी पुतला दहन करो, ये सब कन्फ्यूजन ही है। तो आज जो खतियानी उतियानी जो रट रहा है ये पुरानी बात है, और केवल वही नहीं बोल रहा था, सबको ही बोल रहे थे। लेकिन इसमें हर आदमी के साथ बैठ के जिस ढंग से आप लोग भी देख रहे हैं कि ओपोजिशन के साथ बीजेपी के साथ बैठक करके वो किस तरह से बात बोल रहा है खतियानी का, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका खतियानी का मतलब क्या है। खतियानी गुरुजी भी बोलते थे, लेकिन खतियानी किस तरह से किया जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। खतियानी एक जगह नहीं हुआ है, केवल 1932 में नहीं हुआ, 2005 तक हुआ है। और हम ये मूलवासी और आदिवासी यहाँ के उनके भावनाओं के अनुरूप हम कौन रिकॉर्ड ऑफ राइट को हम मान्यता देंगे, वो तो लीगल पहलू से तय करके ना हम करेंगे। ऐसे तो नहीं बोल देंगे खतियानी करो, किसी का खतियानी नहीं है तो वो छूट जा रहा है, 2005 है तो 2011 छूट रहा है। तो इस तरह की बात जो बोल करके एक माहौल बने गंदा करने का एक उपाय लगाया है लोगों, ये सही बात नहीं है। और खामखा हम लोग को दोष देना और मेरे क्षेत्र में जा करके पुतला दहन करना ये उचित नहीं है, पार्टी के अनुसार ये सही नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ का काम है। तो ये पार्टी के खिलाफ ही काम जो कर रहे हैं उसी के लिए हम साफ करने के लिए आज पीसी कर रहे हैं कि भाई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और इमैच्योर तरह से किसी के बढ़ावे से किसी के उकसावे से कोई भी चीज़ को इस ढंग से बात को पब्लिक के सामने हटिया में मीटिंग कर रहा है। अभी पुतला दहन का बात होता है तो हालांकि कोई आदमी जुटता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एक माहौल तो कर रहा है एक तो पार्टी में पार्टी के फ्रंट में नहीं रख करके वो अलग से हटिया में मीटिंग करे, ये अच्छी बात नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ का काम है, मेरा ये कहना है। गुरुजी से शिकायत करेंगे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए? बाहर का रास्ता दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी का फोटो लगा के जब मीटिंग कर रहा है और कह रहा है खुलेआम कि हम गुरुजी से परमिशन लेके कर रहे हैं, इतना भी कह रहा है, गुरुजी बोलते हैं कौन परमिशन दे रहे, आओ ना हमारे पास। तो लोबिंदा पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ बैठक कर रहे हैं उसके बाद जाके इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बात है दादा, पूरा सवाल खत्म। क्या स्टीफन मारांडी लोबिंदा जो कर रहे हैं स्टीफन मारांडी के विधानसभा क्षेत्र में उससे डर गए हैं इसलिए वो यहाँ आकर बता रहे हैं मीडिया वाले को कि वो पार्टी के विरोध वाला काम कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि लोबिंदा बात तो सही बोल रहे हैं लेकिन
तरीका गलत है। देखिए ऐसे बात है, हम किसी से डरते उरते नहीं है और अपने क्षेत्र में हम डरते नहीं है, हमारा पब्लिक को बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन इसका मैसेज दूसरी जगह भी तो जा रहा है। ये तो मेरे क्षेत्र में मीटिंग शुरू किया, कल को कहीं मीटिंग करेगा, लेकिन ये जो हमारे यहाँ मीटिंग शुरू किया है इसका मैसेज तो दूसरी जगह जा रहा है कि हम डर गए लुबिन के मीटिंग से कि हमको हरवा देगा वो, इसकी भी हमको चिंता नहीं है। लुबिन का औकात उतना नहीं है कि स्टीफन मरांडी को हरवा देगा अपने ताकत से। ये पूरा जो प्रकरण है इसमें ऐसा नहीं लगता कि पैसे की लड़ाई है जेएमएम के अंदर, जो खदान की लड़ाई है, खदान पत्थर माइंस की, वो लड़ाई यहाँ दिखाई दे रही है, या अवैध उत्खनन हो रहा है उसकी लड़ाई हो रही है? देखिए ये तो दो चीजें वो बात भी उठाया था, लेकिन इससे उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। वो कहीं ना कहीं कहीं से मतलब उसको किया जा रहा है, उकसावा दिया जा रहा है, उसको उकसा रहा है। कौन अरे उठाएगा हम लोग का खिलाफ का पटेल बीजेपी का कर रहा है कुछ खुल करके, मतलब अगर आपके पास जानकारी है तो। नहीं जानकारी है बिल्कुल, अब बाबूलाल मरांडी के साथ बैठ करके तुरंत यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी कहा हमने कि एक आदमी का नहीं है इसमें, इसमें बीजेपी का डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए ही कह रहे हैं कि ऐसे में अगर हर एक एमएलए अपने अपने तरीके से पार्टी खिलाफ भी काम करेगा तो निश्चित रूप से ये पार्टी खिलाफ भी काम आए तो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, एक तो अंकुश में लाना चाहिए। आपको कहना है तो मेरे सामने कहिए, हम लोग मीटिंग तो बार बार बोलाते हैं, हम हेमंत को बोलते हैं कि मीटिंग करो तुम और वहाँ मीटिंग में बात बोलेगा लोग, लेकिन मीटिंग में क्यों नहीं बोलता है लोग? मेरा लेकिन दावा कहना यह है कि हम पार्टी के लेवल पर मतलब सदन के अंदर बाहर सब जगह बोल रहे हैं, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तब हम क्या करें? हाँ इसका मतलब हम क्षेत्र में मीटिंग करें किसी के खिलाफ में। अच्छा वो ये भी कह रहे हैं, यही बात है, लोगों से भी बातचीत हुई थी आपसे, आपका नाम लेकर भी उस दिन वो विधानसभा के बाहर कह रहे थे लॉबी में, सब लोग से बात हुई लेकिन वो लोग मीटिंग नहीं करते हैं। अरे मीटिंग नहीं, यही ना कंफ्यूजन है भाई, हम इसीलिए आज पीसी कर रहे हैं। उस रोज हुआ क्या, हम लोग को इसके यहाँ सीएम के यहाँ मीटिंग करना था, इसके बाद हेमंत को कहीं दूसरा प्रोग्राम हो गया, सबको बोल दिया कि चलो हमारे यहाँ मीटिंग करेंगे, सबके मीटिंग में गए हैं कि खाली लुबिन नंबरम नहीं गया, उसका मतलब क्या है? और उसी रोज बंटा भी गया डिमांड पर, कौन किस विषय पर बोलेगा, उसी रोज किया और उसमें बोलने लगा, उसमें बोलेगा भाई पूछ के जब किया जा रहा है तो नलिन सोरेन सचेतक का तो बोलता है कि हम इस पर बोलना चाहते हैं। लेकिन सोरेन ने भी आरोप लगाया कहा कि जब सचेतक से हम लोग मुख्य सचेतक से समय मांगे तो कहे कि नहीं हेमंत जी पार्टी चला रहे और उनका यही इच्छा है। हेमंत सोरेन जी उस रोज बोले थे कि हम ही बांट देंगे सबको, हम पूछ के करेंगे, हम किसी पर थोपेंगे नहीं कि इस पर आपको बोलना है, यही बात हुई थी। दादा क्या माना जाए कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि लोबिन हेमरम एक अलग है, सीता सोनी ने भी कल जिस प्रकार से राजभवन जाके बातें रखी हैं। कोई गलत नहीं है, हम बता रहे हैं पार्टी में एक आध दो आदमी किसी के बहकावे में कुछ से कुछ करना चाहते हैं और जो अभी बीजेपी लगा हुआ है तोड़ने की साजिश में, इसका बहुत बड़ा अंदर से हमको जो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं से उनको बहकाया जा रहा है और उसमें कोई पार्टी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप सीता सोरेन पे कार्रवाई की बात क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो सोरेन के परिवार से? हम बता रहे हैं, हमने तो कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी का एमएलए इस तरह से अलग तरीके से चलता है जो डिसिप्लिन के खिलाफ में है तो सब में डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।